नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। हम फिर हाजिर हैं आपके साथ। मैं हूं आपका कुलदीप शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं reportexclusive.com। पुलिस जो डराती है, पुलिस जो पीटती है, पुलिस जिसका रौद्र रूप सबने देखा है, आज एक तस्वीर आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। एक पुलिस वाला खड़ा है, उसके पास एक छोटा सा लड़का और उसका परिवार खड़ा है। पुलिस वाला बच्चे को एक गुल्लक दे रहा है। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रही है। आखिर कौन है ये पुलिस वाला और ये बच्ची को गुल्लक क्यों दे रहा है, उसकी सच्चाई हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल नागपुर पुलिस का मानवीय चेहरा इन दिनों सोशल मीडिया की सुर्खियों में है और ये वही तस्वीर है जो सुर्खियाँ बटोर रही हैं। अब पूरी कहानी सुनाते हैं। यहाँ एक ऑटो ड्राइवर को ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट के एक कर्मचारी ने नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में पकड़ा। उस पर 2000 रुपये का फाइन लगाया गया। ऑटो ड्राइवर गरीब था और उसके पास फाइन भरने के पैसे नहीं थे। इसके बाद वह अपने बच्चे का पिगी बैंक लेकर सीधे ट्रैफिक डिपार्टमेंट के ऑफिस पहुंचा और चालान जमा कराने की कोशिश की। जानकारी के मुताबिक नागपुर के सीताबुलंदी इलाके में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर रोहित खड़से नाम के ऑटो वाले पर सीनियर पुलिस ऑफिसर अजय मालवीय ने 2000 रुपये का जुर्माना लगा दिया था। पुलिस ने ऑटो जब्त कर जुर्माने के पैसे जमा कराने को कहा। इसके बाद ड्राइवर घर गया और अपने बेटे का गुल्लक लेकर अजय मालवीय के सामने पहुंचा। पुलिस अफसर ने बेटे का गुल्लक वापस किया। रोहित के उदास चेहरे और हाथ में पिगी बैंक को देखकर जब अफसर ने गुल्लक लाने की वजह पूछी तो ड्राइवर ने रोहित ने पैसे ना होने पर मजबूरी में बेटे की गुल्लक लाने की बात कही। इस पर पुलिस अफसर का दिल पसीज गया और उन्होंने ऑटो ड्राइवर का जुर्माना अपने पैसों से भरा। यही नहीं, उन्होंने ड्राइवर के बेटे को बुलाकर उसका गुल्लक भी वापस किया। अब लोग पुलिस अफसर अजय मालवीय की खूब तारीफ कर रहे हैं। नागपुर पुलिस ने भी इसे सोशल मीडिया में शेयर किया है। ये हम आपको कहानी बता रहे हैं उस तस्वीर की जो लगातार सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही है, लेकिन आप उस हकीकत से रूबरू नहीं थे। वो हकीकत हम आपसे रूबरू करवा रहे हैं। पुलिस अफसर अमित मालवीय ने बताया कि ऑटो ड्राइवर ने नो पार्किंग में रिक्शा पार्क किया था, इसलिए उस पर 2000 रुपये का फाइन लगाया गया। जांच में पता चला कि रोहित के नाम पर पहले से 2000 रुपये का चालान बकाया था, इसलिए उसका ऑटो सीज किया गया। वह 5-10 रुपये के सिक्के और कुछ छोटे नोट लेकर चालान भरने पहुंचा था। चालान भरने के साथ उससे वादा भी लिया गया कि वह आगे से ऐसी हरकत नहीं करेगा और ट्रैफिक नियमों को कड़ाई से मानेगा। ये थी पूरी कहानी उस ऑटो ड्राइवर और पुलिस की, जो एक चेहरा सामने आया जो सुर्खियां बटोर रहा है। आज के लिए बस इतना ही। लगातार हमारी अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन का बटन दबा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा आपको आज की कहानी कैसी लगी। जय हिंद, वंदे मातरम।